नमस्कार, मैं देवांशी मित्रा। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हर ओर से आवाजें उठ रही हैं। राजनीति, फिल्म जगत और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ छात्रों ने भी इस कानून के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। पथराव, आगजनी, लाठीचार्ज की खबरों के बीच देश में अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर विरोध जताने की कुछ दिलचस्प तस्वीरें बेंगलुरु से सामने आ रही है। यहाँ IIM बेंगलुरु के छात्रों ने कानून का विरोध जताने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। IIM बेंगलुरु के छात्रों ने नागरिकता कानून का विरोध दर्ज कराने के लिए मेन गेट के बाहर ही अपने जूते चप्पल छोड़ दिए। एक प्रोफेसर ने भी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जता रहे छात्रों का समर्थन किया और उन्होंने भी एक पोस्टर पर अपने जूते रख दिए। IIM प्रबंधन ने धारा 144 लागू होने के कारण परिसर में विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद करीब 100 छात्रों ने कैंपस में प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपने जूते चप्पल उतारकर मेन गेट के बाहर रख दिया और वे इलाके में धारा 144 लगाने का विरोध करने लगे। इसी तरह छात्रों ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। कैंपस के अंदर हाथों में तख्तियां और पोस्टर लिए विरोध करते रहे। दरअसल धारा 144 लागू होने के बाद अगर ये छात्र कैंपस के बाहर निकलकर प्रदर्शन करते तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती और कॉलेज प्रशासन ने भी इन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। लेकिन इन छात्रों ने विरोध का नायाब तरीका निकाल लिया। गेट के सामने अपने जूतों के जरिए विरोध की ये तस्वीर देश की पहली तस्वीर बनी जो सबसे क्रिएटिव विरोध है, जिसमें प्रतीकात्मक विरोध ने विरोध की पूरी दास्तां बयां कर दी। वहीं देश में दूसरी ओर आगजनी और पथराव की लगातार तस्वीर आ रही है। ऐसे में विरोध की ये तस्वीर आंखों को सुकून देने वाली है।